वेलकम 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 दोस्तों, आज मैं स्पॉन हो चुका हूँ इस जगह पे और हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर 100 डेज सर्वाइवल इन डेजर्ट ओनली। तो आओ यार, कुर्सी की पेटी बांध लो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। और हाँ, एक नोटिस और, हमारा एम होने वाला है एक डायमंड का फुल आर्मर तैयार करना और एक छोटा सा क्यूट सा घर बनाना। तो रिसोर्सेज तो भाई बहुत हार्ड होने वाला है मिलने, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्पॉन कुछ इस जगह पे हुआ हूँ और अभी मैं आसपास खोज रहा हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे लकड़ियाँ थोड़ी बहुत मेरे को मिल रही हैं जो कि मेरे को टूल्स बनाने में हेल्प करेंगी, बट स्टिल लकड़ी के टूल्स मैं नहीं बना सकता बिकॉज़ मेरे पास लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है। और आई थिंक सामने एक केव है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ले लेते हैं। और यहाँ पे आगे केव है, तो मैं अभी केव में नहीं जाना चाहता बिकॉज कुछ भी हो सकता है केव में। बट एक सेकेंड, ये क्या है? ओ भाई साहब, नहीं सच में, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं जो सोच रहा हूँ वही हो भाई, एक बार इसको माइंड करते। ओके, हमें मिल चुका है स्पॉन पे ही एक डेजर्ट टेम्पल। तो अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और ब्राइटनेस मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा ताकि तुम लोग को दिखाई दे, बिकॉज टेम्पल में अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पास टॉर्च भी नहीं है। तो यप, अभी हम लोग इसको पूरा का पूरा लूट लेते हैं। और अभी तुम लोग को थोड़ा अतरंगा सा दिख रहा होगा बिकॉज मैंने ब्राइटनेस बढ़ाया एडिटिंग करते समय, तो इसकी वजह से। तो अभी फटाफट से जितना भी है इसको फटाफट लूटते हैं और बाहर चलते हैं। अच्छा हुआ कि इसमें एक भी जॉम्बी या स्केलेटन नहीं था, वरना तो मेरी वॉट लग जाती भाई, बिकॉज मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद इधर मेरे को सिर्फ कुछ ही रिसोर्सेज दिख रहे थे। तो इधर कुछ लकड़ियाँ थी लेकिन मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल नहीं था ताकि मेरे को जो चीज़ें मिली हैं आयरन गोल्ड इन सब का मैं टूल्स बना सकूं। तो मेरे को सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस केव के अंदर चलता हूं, क्या पता मुझे माइनशाफ्ट मिल जाए तो मुझे लकड़ियां आसानी से मिल जाएंगी। बट यहां पे मैंने देखा कि एक क्रीपर है भाई, तो मैंने बोला भाई यहां से भागने में ही भलाई है। तो मैं वहां से भी भाग चुका हूं और अभी यहां से निकलते हैं और चलते हैं एक विलेज की तलाश में, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ वही सहारा बचा है। विलेज में हमें दिखने को मिल जाता है क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। सो चलते हैं और वहाँ पे फूड भी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो फटाफट एक विलेज खोजते हैं। तो अभी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरे सामने एक और डेजर्ट पिरामिड। भाई क्या लक है भाई, मेरा बहुत तगड़ा वाला लक है। तो फटाफट चलते हैं इस डेजर्ट पिरामिड को लूटने। और चलो 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 चलो, एक सेकेंड, ये बगल में क्या दिख रहा है भाई? हेलो, ओ भाई साहब, एक विलेज भाई, मतलब क्या ही लक है ब्रो, एक विलेज भी मिल चुका है हमें। तो फटाफट से इस पिरामिड को लूटते हैं और पिरामिड को लूटने के बाद हम लोग चलेंगे तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने विलेज में। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी मेरे को ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा, तो ब्राइटनेस बढ़ चुका है, जादू है भाई ये अपना। तो अभी यहाँ से पूरा का पूरा जो डेजर्ट टेम्पल है इसको लूट लेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई, सब हमारे लिए यूज़फुल है अभी के लिए, बाद में देखेंगे जो यूज़फुल नहीं रहेगा उसको चेस्ट में डाल देंगे। और उसके बाद चलते हैं फटाफट से विलेज को लूटने। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं विलेज में, एंटर करते हैं विलेज में। यहाँ पे कुछ है कुछ अच्छा या नहीं भाई? ओके, कुछ दिख तो नहीं रहा है मेरे को खास, ब्लैक स्मिथ वैक स्मिथ तो होता नहीं है इसमें शायद, डेजर्ट वाले विलेज में ब्लैक स्मिथ होता है, तुम लोग को पता है कमेंट करके बताओ। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं और यहाँ पे आयरन गोलेम भी है, बट इसको मैं अभी नहीं मारूंगा बिकॉज अभी मेरे को थोड़ा सा लूट वूट करना है। तो अभी मैं चुटकी बजाता हूँ और पूरे के पूरे विलेज को लूट लेता हूँ। ये देखो 3 2 1, अरे बजा ही नहीं भाई। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं क्राफ्ट करने लगा हूँ। क्या क्राफ्ट करने लगा हूँ सोचो, अभी मैं यहाँ पे क्राफ्ट कर रहा हूँ एक एक्स ताकि उस आयरन गोलेम को मार के उसके आयरन ले सकें। ओ आयरन गोलेम इधर तेक, रुक जाओ 3 ब्लॉक्स ले लें दो मेरे पास, वरना पता चला उसने मेरे को ही मार दिया। तो फटाफट से ब्लॉक्स ले लेते हैं यहाँ से, और ब्लॉक्स होने के बाद अभी चलते हैं आयरन गोलेम को मार के भागूंगा और इसको मारूंगा मैं। रुक जा भाई, रुक जा तू, ये ले, ओ भागो भागो भागो, ओ भाई साहब, शिट शिट शिट, बहुत ज़्यादा कमाट है मेरा, मारो 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 मारो, टुडन 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 टुडन। ओके फाइनली मर चुका है, अभी आयरन लेते हैं यहाँ से, फटाफट से चलते हैं अपने क्राफ्टिंग टेबल में। और क्राफ्टिंग टेबल में चलने के बाद हम लोग बनाएंगे अभी एक पिकैक्स और एक वाटर बकेट। तो फटाफट से एक पिकेक्स बना लेते हैं और अभी बना लेते हैं एक और वाटर बकेट, एक और क्या मतलब फर्स्ट वाटर बकेट। और वाटर बकेट बनाने के बाद चलेंगे फटाफट से इसमें पानी भरने। यो मैं
क्या मैं गजबड़ पानी ले चली एक सॉन्ग है ना ही। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक अपने लिए शवल। शवल किस लिए? ताकि मैं एरिया क्लियर कर सकूँ घर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट होने वाला है एक घर बनाना और डायमंड का पूरा आर्मर बनाना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से पूरा तोड़ते ताड़ते हैं इधर उधर चारों तरफ। ओहो, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक शवल टूट चुकी है और ये मेरी सेकेंड शवल थी, और थर्ड शवल के लिए मैंने सोचा कि मैं आयरन का ही क्यों ना बना लूँ भाई, जब बार बार टूटना ही है इसे। तो मैंने आयरन का बना लिया और यहाँ पे भी फटाफट से इन सबको काट के हटाते हैं इधर से, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके पूरा का पूरा एरिया खाली कर देते हैं। तो टू 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 यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एरिया जो है मैंने इतना खाली कर दिया आसपास का। बट फिर मुझे याद आया कि मैं घर बनाऊंगा कैसे, मेरे पास तो लकड़ी ही नहीं है और बिना लकड़ी के घर अच्छा नहीं लगता। तो मैं निकल चला माइन पे ताकि पहले मैं अपने डायमंड के आर्मर बना लूं और उसके बाद एक माइन शाफ्ट खोजेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं -58 और 59 पे हमें मिलता है, जो कि होता है लगभग बेडरॉक के पास, तो वहीं पे हमें डायमंड देखने को मिलता है ज़्यादातर 1.19 में। तो इसलिए मैं वहीं चल रहा हूं। और यहां पे भी कुछ हो सकता है, एक सेकेंड थोड़ा लूट वूट कर लेते हैं, इधर देख लेते हैं। ओ सामने एक वो है, अरे यार भागो भागो भागो, क्रीपर फटेगा। ओ शिट, हाफर्ट हाफर्ट, खाना खा। नहीं 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 भाई, गूज बम्स आ रहे हैं। चलो इसको मारते हैं फटाफट से। ओके ये मर चुका है, अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी से माइन करके और नीचे चलते हैं, और चलते हैं डायमंड माइन करने। तो यहाँ पे इधर ओके, तो मेरे को डायमंड तो मिला नहीं, बट यार रेडस्टोन मिल गया, तो मैंने सोचा रेडस्टोन भी ले ही लेते हैं बिकॉज मेरा लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तुम लोग जैसा कि देख ही सकते हो, कुछ भी मैंने अभी तक ना कोल माइन किया है ना कुछ, सो इसलिए मैं सीधे के सीधे नीचे ही आया हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा रेडस्टोन मिल गया और मेरे को फाइनली डायमंड भी मिल चुके हैं। तो फटाफट से ये डायमंड पूरा का पूरा इतना जिधर भी है इधर मतलब जितना भी है सब का सब लूट लेते हैं। ओहो, बहुत सारे डायमंड्स थे भाई, मतलब हाँ ठीक था। और उसके बाद मैं ऊपर जा रहा था तो मेरे को लैपिस लजुली मिला, तो मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं बिकॉज ये भी लेवल अप करेगा और उसके बाद इंचांटिंग में तो काम आता ही है। मतलब ये वो होता है ना, टोटका होता है, टोटका लगाओ और इंचांट पाओ। तो और उसके बाद अभी हम लोग ऊपर चलते हैं फटाफट से, ऊपर चलो चलो रे। ओश भाई साहब, मैंने सोचा था कि आर्मर बनाने के बाद माइनशाफ्ट खोजेंगे, बट मेरे को माइनशाफ्ट खोजना ही नहीं पड़ा, लिटरली ऐसे ही मिल गया। तो इसमें देखते हैं कुछ खास नहीं है, फटाफट से इसको भी ले लेते हैं, बट खास नहीं है लेकिन हमारे लिए खास है, पूरे के पूरे को लूट लेंगे। और उसके बाद इधर से निकलते हैं, आगे चलते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं माइनशाफ्ट खोज रहा था वो है लड़कियाँ, ओह सॉरी लकड़ियाँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जितनी लकड़ियाँ सॉरी यार लकड़ियाँ हो सकती हैं पूरी की पूरी लकड़ियाँ काट लेता हूँ। और लकड़ियाँ काटने के बाद हम चलेंगे अपने ओवरवर्ल्ड में, मींस ओवरवर्ल्ड में ही है बट या ऊपर चल के अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारा यही एम था, टारगेट था कि हम लोग एक डायमंड का आर्मर बना सकें, फुल्ली डायमंड आर्मर और एक घर। तो वही कर रहा हूँ अभी मैं, पूरा का पूरा जितनी लकड़ियाँ हो सकती हैं मैंने उतनी जुटाने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी लकड़ियाँ भी हो चुकी हैं और मेरे को यहाँ पे डायमंड भी मिल गया काफ़ी ज़्यादा इजीली, जो कि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। और अभी मेरे पूरे डायमंड के सेट का काम हो चुका है मेरे को जहाँ तक लगता है। इसको लेते हैं और ओके ये हो चुका है हमारे पास। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इधर डायमंड का आर्मर बनाने। सबसे पहले मैं बनाता हूँ लेगिंग्स, उसके बाद एक चेस्ट प्लेट, एंड उसके बाद हम बनाएंगे अपना एक शूज़। यानी कि हमारे पास डायमंड्स थे कुल 19 डायमंड थे। और भाई देखो, हेलमेट भर का डायमंड नहीं था तो मैंने सोचा कि चांदी के सिक्कों का ही क्यों ना बना लें, चांदी के बिस्कुट का, तो मैंने उसका वो बना लिया। और अभी मैं घर बनाया उसका एक छोटा सा क्लिप मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, टाइम लैप क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने मतलब मैंने फुल ट्राई किया था कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इस घर को बना सकूं, बट हाँ यार तुम लोग ट्राई नहीं कर सके कि मैं खुश हो सकूं। तो यार अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक करो, क्या कर रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, लिटरली तुम लोग को देख के पता ही लग रहा होगा, बिकॉज रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं होती हैं डिज़र्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई मेरे को, बट यार तुम लोग के लिए तो इतना सह सकते हैं भाई। तो अभी यहाँ पर जो घर है इसको मैंने बनाया और इसमें फार्म भी मैंने बनाया। तो अब देखो, फार्म में मैंने डर्ट का यूज़ किया ही किया है,
बिकॉज बिना डर्ट के फार्म बन नहीं सकता, बट वो डर्ट भी मैंने कहीं और से नहीं लाया है, डिजर्ट से ही लाया है। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, मींस कोस्टल एरियाज़ में क्या बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने बैठा हूँ मैं यहाँ पे तुम लोग को, वो जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी होती है तो उसके साइड पे हम लोग को डर्ट मिल जाता है डेजर्ट में भी, तो मैंने वहीं से सिंपल डर्ट उठाया। तुम लोग कमेंट में ये मत बोलना कि भाई तूने डर्ट उठाया ये वो गलत, तो ये सब मत किया करो यार, गला बैठ गया भाई। तो अभी इधर से यहाँ पे हमारा जो घर है वो अप्रॉक्स रेडी हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर हमारा रेडी हो चुका है, अभी मैं बना रहा हूँ सेकेंड फ्लोर। तो सेकेंड फ्लोर बनाने के लिए मैं, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं तो थोड़ा सस्ते में ही काम चलाना पड़ा। तुम लोग भी काम चला लो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं, जो लोग नहीं खेलते हैं उनके साथ मत करो, कोई नहीं मैं नहीं फोर्स करूँगा तुम्हें यार। तो यहाँ पे से मैंने थोड़े से डर्ट ले लिए, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये कोस्टल एरिया है और ये कोई नहीं बोलेगा कि भाई तू ये क्या वो किया। तो यहाँ पे मैंने अपना फार्म का भी काम शुरू कर दिया है, फार्म का भी काम, वाह। तो ये हो चुका है हमारे फार्म का काम ख़त्म अप्रॉक्स आई थिंक सो। तो ये हमारा जो फाइनल घर है ये बन चुका है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, और ये घर तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाते रहो।